कर्नाटक हाईकोर्ट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ट्विटर को एक साल तक केंद्र सरकार का निर्देश नहीं मानने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि फरवरी 2021 से फरवरी 2022 के बीच केंद्र सरकार ने ट्विटर को कुछ अकाउंट्स बंद करने समेत कई निर्देश दिए थे, लेकिन ट्विटर ने इन निर्देशों को नहीं माना और इसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। बता दें कि फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक केंद्र सरकार ने अलग अलग समय पर कुल 1474 ट्वीट्स अकाउंट को बंद करने, 175 ट्वीट्स को ब्लॉक करने और 256 URL और एक हैशटैग को बंद करने का निर्देश कंपनी को दिया था। ये निर्देश IT एक्ट 69A के तहत जारी किए गए थे, जिसके तहत सोशल मीडिया के जरिए देश की संप्रभुता और एकता को ठेस पहुंचाने वाले संदेशों को हटाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन कंपनी ने सरकारी आदेशों की अनदेखी की। इनमें से ट्विटर ने 39 URL को लेकर केंद्र सरकार को कोर्ट में चैलेंज किया और अपने तर्क में कहा कि ये नागरिक के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। ट्विटर इंडिया ने जून 2022 में केंद्र के फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। 6 महीने तक इस मसले पर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के आदेश को जायज ठहराया है और ट्विटर को दंडित किया है।